देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम तु रक्षितु मिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम। मालिक को कभी डंडा लेकर अपने बच्चों की रक्षा करते हुए देखा है? जिसकी रक्षा करनी है उसे वो सद्बुद्धि देता है और वही सद्बुद्धि इंसान को सिखाती है अपने सत्य के लिए खड़ा होना, उसकी रक्षा करना। इसे कृष्णा के आजी को कल दे देना और कह देना इसे खाली संदूक में संभाल कर रखें। ठीक है साईं, मैं सुबह सुबह ही चला जाऊंगा। उनसे ये भी कहना सत्कर्मों के फल आने वाले हैं, समय बदल रहा है, भाग्य बदल रहा है, जीवन समर रहा है। बेटी, आदिनाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब तो सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है ना, अब क्यों जा रही हो? आपने मुझ पर बहुत एहसान किए, इस घर ने मुझ पर बहुत एहसान किए, मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती हूं। आत्मसम्मान के साथ बहुत समझौते किए हैं मैंने आज तक। सोचती थी एक ईश्वर है जो न्याय करेगा, लेकिन अब ईश्वर पर निर्भर रहना छोड़ चुकी हूं मैं। समझ चुकी हूं कि अगर अपने साथ न्याय चाहिए तो खुद लड़ना पड़ता है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए अब मैं नहीं रुक सकती हूं। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। प्रायश्चित का एक मौका तो ईश्वर भी देता है। मैं इंसान हूं। इंसान की इंसानियत से बड़ा और क्या है? उस इंसानियत के नाते एक मौका। मुझे मैं मेरे मेरे साथ ये समस्या है, मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, पर उसके पीछे मेरा तजुर्बा भी ऐसा ही है। मैं क्या करूं? साई बाबा
बहुत जल्दी हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और उस वजह से हमें कई बार परेशानी हुई है। मुझसे नहीं होता ऐसे किसी अनजान इंसान पर विश्वास, अब चाहे इसे मेरी बुराई समझो या कमजोरी। इसलिए जब से तुम यहां आई, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा थोड़ा नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा ही। अगर तुम यहां से चली गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और अगर तुम रुकती हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, वादा है। बेटी ये तो पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है, इसके लिए तो बिल्कुल मत रुकना। लेकिन मेरे लिए तो रुक सकती हो ना, समझ लो कि तुम्हारी आई तुमसे रुकने के लिए कह रही है। अब मना कैसे करूं, बेटी इस खड़ूस को मैं अच्छे से जानता हूं, अब वो तुम पर कभी नहीं चिल्लाएगा। लेकिन तुम अब इसकी बिल्कुल मत सुनना, तुम्हें मेरी इजाजत है। सीधे रंगों की बाल्टी लेके इसके सर पर उंडेल देना। साईं, कल पाठशाला में बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि संसार में उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। कोई अपनी सारी संपत्ति दूसरों में बांट देता है, तो कोई किसी की रक्षा करने के लिए लड़ मरता है, फिर मैं एक उदाहरण क्या दूं। महाभारत के बाद एक तरफ कुंती अपने पुत्रों की मृत्यु का विलाप कर रही थी और दूसरी तरफ गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का। भगवान कृष्ण से दोनों की पीड़ा देखी नहीं गई, उन्होंने दोनों को अपने गले से लगा लिया। उस तरफ अपने दुख में डूबी गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दिया कि उन्हें भी अपनी संतान के खोने का दुख अनुभव करना पड़ेगा। कृष्ण तो भगवान थे, वो चाहते तो गांधारी के शाप से मुक्त हो सकते थे, या गांधारी को पलटकर वो भी तो शाप दे सकते थे, क्योंकि युद्ध तो कौरवों की वजह से ही हुआ था। लेकिन उन्होंने एक मां की तकलीफ समझी और गांधारी को माफ कर दिया। भगवान कृष्ण का गांधारी को माफ कर देना ही सबसे बड़ी उदारता रही होगी ना साईं। किसी का भी किसी को माफ कर देना सबसे बड़ी उदारता है श्रीकांत। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, हमें दुख पहुंचाए, मगर फिर भी हम उसे माफ कर दें, इससे बड़ी उदारता और क्या होगी। और इसका फल ईश्वर हमें देता है। किसी को क्षमा कर देना उसकी जिंदगी बदल सकता है। साई ने यहूदी देते हुए कहा है कि आप इसे संभाल के रखिए।
मैं जानती थी मेरी कृष्णा की किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। जिस भगवान की उसने सालों से आराधना की है, उस पर विश्वास किया, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी बच्ची है कहाँ? सबरी रखिया जी, वो जहां भी है खुश है, क्योंकि उसके साथ साई का आशीर्वाद है। चलता हूं। आज मारुति मंदिर में जाके माथा टेकती हूँ। विद्याधर का घर यही है? जी अभी बुलाती हूँ। विद्या, कोई मिलने आया है तुझसे? जी देखता हूँ। जी कहिए। तुम्हारे लिए एक समाचार लाए। ये दोनों हमारे साथ काम करेंगे। तुमने गाना बंद क्यों किया? अच्छा गाती हो। बहुत अच्छा रंगा है। Sai
आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है ना स्वादिष्ट? लेकिन आज खाना मैंने नहीं, कृष्णा ने बनाया है। एक दो तीन, तीन लाल, एक दो तीन, तीन पीले, आप लिख रहे हैं ना? हाँ लिख रहा हूं। बहुत सुंदर चित्र है। प्रणाम साई बाबा। राम जी भला करें। बाबा आपको शुक्रिया कहने आया था। मैंने अपने पुराने कारीगर को पकड़ा, वो चोरी करने आया था देर रात। बाबा मुझे पता है कि उस दिन आपने ही मुझे जगाया था। मैं पहले भी आया था आपको बताने, लेकिन अब मिले नहीं। तभी सही समय नहीं था। सही समय? मैं समझा नहीं बाबा। जाने दो, एक सुझाव है। हर व्यापारी को अपनी खाता बही और माल सूची की जांच करनी चाहिए। आदिनाथ उसका ध्यान रखता है। आदिनाथ बहुत अच्छा बेटा है, वो हर काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन तुम असली मालिक हो अभी। तुम्हें भी जानकारी रहनी चाहिए कि व्यापार में क्या चल रहा है। तेरी महिमा मेरे। ठीक है बाबा, मैं जरूर देखूंगा। जान पाया सुमित्रा। सुमित्रा आई। क्या हुआ? वो तो अच्छा हुआ कि साई के सुझाव से मैंने सारा भाई खाता खोला और ये दिख गया मुझे, ये चल रहा है आजकल।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इस हद तक चला जाएगा। बताइए क्या करना है? अब करना क्या है? कृष्णा, ये क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मुझे कैसे? दोष तुम्हारा नहीं है, लेकिन काम के वक्त आदिनाथ का ध्यान तुम पर लगा रहे, ये ठीक नहीं। इसलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त काम से निकाल रही हूं। लेकिन ये गलती तो मेरी है ना? तेरी ही है, बिल्कुल तेरी है, और इसीलिए तेरी सजा यही है कि मैं इस लड़की को अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल रही हूं। और इसे अपनी बहू बना रही हूं। अगर कृष्णा को मंजूर हो तो से कहा है तुझे, मुझे अपनी आई समझ, ईश्वर ने सच में बना ही दिया। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी तेरी। लो, लड़की तो भाग रही है। सुमित्रा, लगता है इसे तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करनी है। मैं अपने आजी को बताने जा रही हूँ, उन्हें बहुत खुशी होगी। आजी को बताने? मतलब इसने हाई कर दी ना? क्यों? Thank you.
दे तू बेटी, ठीक तो थी ना? तेरे जाने के बाद मैंने एक दिन भी हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकते हैं। क्या हुआ कृष्ण? अब तो इन्होंने सब ठीक कर दिया है, अब क्यों नाराज है? नहीं अज्जी, इन्होंने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया। मैंने अपना सुख अपना दुख सह सह कर ही पाया है, इनकी कृपा से नहीं। मैंने अपना भाग्य अपने कर्मों से बदला है। साई, ये आपके लिए। शुक्रिया गोविंदा। चलता हूं साईं। अगर बिगाड़ने वाला वो है तो बनाने वाला भी वही है। अगर पतझड़ उसका है तो बहार भी वही लाता है। सबका मालिक एक, सबका रचयिता भी एक, सबके सुख दुख का सच्चा साथी वही एक। देखो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ बेटे, ये बैर भाव अच्छा नहीं। भूल चुकी हूँ अज्जी, आपने ठीक कहा था अज्जी, बैर बेकार है, क्योंकि बैर तो उनसे किया जाता है जो हो, जो है ही नहीं उनसे कैसा बैर, उनके सामने क्या माथा टेकना। और हाँ अज्जी, मैंने एक फैसला और लिया है। कैसा फैसला? मैं अपना विवाह भगवान नाम के किसी पत्थर को साक्षी मानकर नहीं करूंगी। अल्लाह मालिक,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.